मेरे साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने कहा कि चार सीटें जो हैं वो ऐसी थी जो कि मुस्लिम है, जो पिछले इलेक्शन में उसमें ऐसे थे जो आजाद लड़े थे वो जीत गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर जो आप लड़े हैं वो हार गए हैं। एक तो ये बताइएगा और दूसरा ये भी फरमाइएगा, क्या अब आप समझते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो आपने ही कहा कि उनकी सीटें थी, उनकी सीटों पे वो वजीर आला पंजाब बने थे, क्या आप समझते हैं कि आप वो वजीर आला पंजाब रहेंगे या उन्हें इखलाकन इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस हवाले से? इखलाकियात का दामन तो हमने छोड़ा कभी नहीं, मगर हमारा मुकाबला एक ऐसे टोले के साथ है जिनकी डिक्शनरी में इखलाकियात का वर्ड ही नहीं है। तो चाय के कप के लबों पे लबों तक आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, इसलिए कुछ चीज़ों का इंतज़ार फरमाइए। देखें, अक्सर जगहों पे तो पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो गया था मामला, लेकिन 15-20 दिन में, महीने में, अगर कोई ये समझें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, ज़ाहिर है आप कायल करके लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, यही सियासी अमल है और यही जमहूरी अमल है। तो जाहिर है कि बाज़ जगह मुश्किलात पेश आई हैं और वो भी एक फैक्टर है, लेकिन उस फैक्टर पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे।